जिला बदर अपना तर सुनन हो के ज्यादातर जे गंभीर अपराध में लिप्त हो था उनका प्रशासन के द्वारा जिला बदर कीन जात है। पर मध्य प्रदेश में पहल दर की शायद अपना मोहल्ला बदर शब्द सुना। बता दें कि भोपाल में मोहल्ला बदर एक मंचला का कीन गहब है। बता दें कि पूरी कार्रवाई मध्य प्रदेश में शायद पहली बार केहू का मोहल्ला बदर करे के कीन कहबे। तो विन्ध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सर्वजनन को प्रणाम कहते शुरू कहते बड़ी खबर से बता दी कि प्रदेश में यह पहल दर की आय भोपाल के एक युवक के खिलाफ मोहल्ला बदर के आदेश जारी बहाबल। यह आदेश डीसीपी जोन एक साई कृष्णा के द्वारा स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र के एक छे मामला में किया गया। बता दें कि आदेश जारी होए के 2 महीना की अवधि तक संबंधित आरोपी का मोहल्ला में दाखिल नहीं होए के आदेश जारी किया गया है। हालांकि बाद में संशोधन किया गया जिसके बाद डीसीपी के द्वारा आरोपी का महिला के घरे के आसपास न भटके के आदेश जारी किया गया। यह पूरा मामला स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर के आज जिनमें एक महिला के द्वारा मोहल्ला के पप्पू के खिलाफ छेड़खानी के केस दर्ज करवावा रहा। आरोप यह रहा कि युवक रोजाना सांझ के महिला के सौहे अश्लील हरकत करत रहा। बता दें कि मामला में पहले तो युवक के खिलाफ मोहल्ला बदर के आदेश जारी भा जिसके बाद डीसीपी के द्वारा बता दी के संशोधन की अपील की गई रही जिसके बाद भरोसा दिलावा का रहा कि युवक आरोपी के द्वारा यह भरोसा दिलावा कि आइंदा महिला के साथ दोबारा एमए के हरकत न करी और यही तहत संशोधन की गए आदेश में और ओके बाद 2 महीना तक थाना में हाजिरी प्रक्रिया पूरी करे के आदेश जारी की गए। हम बता दी कि मोहल्ला बदर के आदेश में मामूली संशोधन युवक के अपील के बाद कीनगा। बता दें कि एक साथ है महिला के घरे के आसपास न जाए खातिर घला युवक का आदेश कीनगा है। बता दें कि धारा 144 के आदेश के उल्लंघन करे पर पुलिस आईपीसी के धारा 188 के तहत केस दर्ज करा थी। यानी पहले दर्ज हुए वाले अपराध के बाद पुलिसों का बॉन्ड ओवर कर चुकी है। यानी अगर 188 के केस दर्ज भा तो बॉन्ड ओवर के का उल्लंघन माना जा रहा था और एक के तहत आरोपी का जेल घलाए भेजा जा सकता है। तो यह पहल दर की बता दी कि या मध्य प्रदेश में यह मोहल्ला बदर की जानकारी समूह आई है जहां छेड़छाड़ करने वाले मंचला का यह सजा सुनाई गई। और बड़ी बात यह है कि पुलिस के द्वारा कहा गया है कि ये 2 महीना के दौरान युवक के ऊपर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी गई कि युवक अपन जो सज़ा है वो का पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं। तो बेहद ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात ही है कि प्रशासन के द्वारा छेड़छाड़ जैसे मामलन का गंभीरता से लीन जा रहा है और ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि छेड़छाड़ से जुड़े मामला का प्रशासन गंभीरता से ले। कहें से कि कबो कबो मामूली छेड़छाड़ संगीन अपराध में बदल जाती है और ऐसे में प्रशासन के लगे कार्रवाई के अलावा कुछ रह नहीं जाता है करेगा। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल रखना।